बिल्कुल, आई थिंक हमेशा की तरह मैं खास करके, मतलब मैं, मुझे इतना फैशन का ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ कि अब जो ट्रेंड्स चल रहे हैं थोड़ा से यू नो अप टू डेट रहूँ और अपडेटेड रहूँ. तो यस, वही मतलब जो दिखा वार्डरोब में सामने, और चूँकि ऑब्वियसली इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस ओकेजन, अच्छा ओकेजन है, एक सेलिब्रेशन है कि 15 साल हो गए हैं स्वास्तिक को, और हमने कभी काम नहीं किया साथ में, लेकिन एक 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 म्यूचुअल, जैसे कहा ना कि एक एक लाइकिंग है, अप्रिसिएशन है कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है और इतना लोगों को एंटरटेन किया है. खास करके उनका एक शो है जो मेरा सबसे प्रिय शो है, आई लव दैट शो, राधे कृष्णा. तो आई एम समवेयर ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल कि ऐसे कमाल का कंटेंट लेकर आते हैं वो, और हमेशा फैंस को इतना एंटरटेन करते हैं. आई थिंक मुझे, आर्टिस्ट को, एक्टर्स को, व्यूअर्स को, सो आई थिंक इट्स ग्रेट, बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे लोग अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं, दोनों सिद्धार्थ और राहुल. स्वास्तिक इन इटसेल्फ आई थिंक डेफिनेटली इतने साल हो गए अब तो, कह सकते हैं कि वो इतने एस्टैब्लिश हो चुके हैं कि उन्हें पता है कि क्या लाना है, क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा. खैर वो तो एक अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है, लेकिन एक जो पल्स जो होता है कि वो आई एम श्योर उन्हें समझ में तो आ ही गया कि लोगों को क्या अच्छा लगता है, लोग क्या देखना चाहते हैं. सो यस, विशिंग देम अनदर 15-20 ईयर्स और ज़्यादा, जितना भी हो. बिल्कुल, मैं इस बार कोशिश करूँगा, अगर वक्त मिला, जाके थोड़ा गरबा खेलूँ, थोड़ा डांडिया खेलूँ, और मैं शायद थोड़ा ट्रैवल करूँगा, हो सकता है कहीं ना कहीं आप लोगों को दिख जाऊँ किसी अलग स्टेट में खेलते हुए डांडिया. मुझे पता नहीं, वो तो पता लगेगा मुझे कुछ ही दिनों में, लेकिन हाँ मेरा मन है कि माता का पूरा त्यौहार है, और ये जो 9 दिन है, 9 रात्रि हम कहते हैं, तो ये डेफिनेटली हम चाहते हैं कि हम अच्छी से यू नो घर में पूजा पाठ करें. जैसे गणपति मेरे लिए ऑब्वियसली हर साल बहुत मैं जोर शोर से मनाता हूँ, तो नवरात्रि भी मैं कोशिश करूँगा कि उतने ही, उतनी श्रद्धा और प्रेम से मनाऊँ. जी, मेरा अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ एनी किस्मत, जो कि लोगों को टच में बहुत पसंद आ रहा है, और कहीं ना कहीं गाने के बोल, गाने का म्यूज़िक, आई थिंक कहीं ना कहीं आती वो जब लोगों को छूती है ना, वो जब लोग कनेक्ट कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर वो एक्सक्यूज़ मी, अब वो चाहे वो शो हो, चाहे वो फिल्म हो, OTT हो, म्यूज़िक वीडियो हो, कुछ भी हो, वो फिर कहीं ना कहीं लोग उसे लाइक करना स्टार्ट कर देते हैं. तो आई एम श्योर, जैसे मैंने आपसे कहा, गाने के बोल बहुत अच्छे हैं, गाने का म्यूज़िक बहुत अच्छा है, शूट अच्छा किया हुआ है, तो आई थिंक ओवरऑल इट्स अ नाइस पैकेज. एंड लोग कह रहे हैं मुझे वापस कि आप यू नो आप क्लीन शेव मत रहिए, आप वापस से आप बियर्ड ग्रो कर लीजिए, और तो बहुत लोगों की फीडबैक आ रहे हैं. बट अच्छा लग रहा है यार कि ऐसे बीच में थोड़े म्यूज़िक वीडियोस आते रहें, कुछ अलग अलग चीज़ें जो हमें टाइम नहीं मिलता करने का, बट ऐसी चीज़ें, मुझे म्यूज़िक से बहुत, ऑब्वियसली हम सबको म्यूज़िक बहुत बहुत पसंद है, एंड इट्स अ ग्रेट स्ट्रेस बस्टर. तो मेरे लिए मतलब आई लव म्यूज़िक, एंड ऑब्वियसली अच्छा वीडियो हो, एक अच्छी टीम हो, सो वाई नॉट यार, फटाफट शूट करते हैं, उसके बाद आप लोग सब देखते हैं उसे, और क्या. मुझे सच बताऊँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ दिखने वाला हूँ, बट यस, मैं कहीं तो दिखूँगा. लेकिन कोशिश है, कोशिश जारी है, मीटिंग चल रही हैं अच्छी, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड बहुत जल्दी मैं आपको कहीं ना कहीं दिखूँ. कुछ चीज़ें हैं जो अगर हमारे फेवर में वर्कआउट होती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो सामने वाले के फेवर में वर्कआउट होती हैं, तो इट्स अ वेरी एक कॉमन ग्राउंड पर आना बहुत ज़रूरी है. तो बस उसी कॉमन ग्राउंड को देख रहे हैं हम लोग सब, और कहीं ना कहीं अगर हमें लगा कि सब चीज़ें ठीक हैं, तो फिर बहुत जल्दी दिखूँगा. Thank you.